आज की जो मेरी कविता है हिंदी में है, तो जो परिचय है वो भी हिंदी में ही होगा। तो जो कर्ण है महाभारत का एक बहुत मुख्य पात्र है, और जब महाभारत की बात हो, अहम की बात ना हो तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। तो जो काव्य है वो अहम के ऊपर है। कई बार लोग होते हैं जो आपके पतन में कारण होते हैं, कई बार आप खुद होते हैं जो आपके पतन में कारण होते हैं, और वो एक जो चीज है जो आपका पतन में कारण होती है, आप खुद कैसे होते हैं, वो मेन है आपका अहम। सो जो आज की कविता है वो है अहम के ऊपर। अहम की ज्वाला अति तीक्ष्ण है, अहम की ज्वाला अति तीक्ष्ण है, भस्म करने में ना क्षण लेंगी, उठेंगी लपटें ऊंची नब तक, उठेंगी लपटें ऊंची नब तक, संभलने नहीं तुझे देंगी। छिन्न भिन्न कर बना चिंगारी, छिन्न भिन्न कर बना चिंगारी, तू देख कहां उड़ाएंगी, ये पतन काल तेरा होगा, गिरा तुझे भूतल पर ये माटी संग मिलाएंगी। क्रूर छल ये माया जाल है, क्रूर छल ये माया जाल, जो रिझा के तुझे फंसाएगा, तुझे तनिक नहीं शंका होगी, ये चित्त जकड़ कर तेरा तुझ पर हावी हो जाएगा। मायावी की माया तुझ में मैं की ललक जगाएगी, मायावी की माया तुझ में मैं की ललक जगाएगी, अंतर मन से दृष्टिहीन कर ज्ञान मिटा ये मूर्ख तुझे बनाएगी। तू रहा इसे है पूज अभी, तू रहा इसे है पूज अभी, ये फल भी देकर जाएगा, तू कर प्रतीक्षा कुछ क्षण की, ये अपने सारे रंग दिखलाएगा। प्रलय आने के पहले तक तू, प्रलय आने के पहले तक तू कुछ क्षण तक तो सुख भोगेगा, तू देख इस प्रलय का तांडव, ये तुझे गोते खिला खिला डुबाएगा। तू रहा बिठा है इसे शीश पर, तू रहा बिठा है इसे शीश पर, ये अहम बड़ा बलशाली है, अपने बल का आभास कराएगा। झुका के तुझको यूं पटकेगा, झुका के तुझको यूं पटकेगा, तेरा अस्तित्व लहू लुहान हो जाएगा। उड़ेंगे छींटे दूर दूर तक, तू साफ नहीं कर पाएगा, अहम की सत्ता राज करेगी, तू मनुज दीन हो जाएगा। अगली चार पंक्ति देखिएगा कि शिशुपाल ने अहम में आकर, शिशुपाल ने अहम में आकर अपशब्दों का ना ध्यान किया, अहंकार फिर बना सारथी, माधव को अपमानित करने की चरम सीमा को लांघ दिया। चला चक्र और कटाशीश, चला चक्र और कटाशीश, शिशुपाल के प्राण गए, इस विकराल अहंकार के आगे कितने योद्धा सहजशीलता हार गए। अहम जब जब हुंकार भरेगा, अहम जब जब हुंकार भरेगा, स्वामी बना तुझे अपना, ये तेरा ही संहार करेगा। तू अज्ञानी है, तू अज्ञानी है, मैं के मोह में इसका प्रभुत्व बढ़ाएगा, बड़ा प्रबल स्वभाव है इसका, इसका प्रतिष्ठा के मोह में लाकर तुझको कलंकित कर जाएगा। बड़ा बड़ा प्रबल स्वभाव है इसका, प्रतिष्ठा के मोह में लाकर तुझको कलंकित कर जाएगा। हाथ नहीं कुछ होगा तेरे, हाथ नहीं कुछ होगा तेरे, असहाय कर देगा तब तक, जब तक तू इस छलिए के विषैले छल को समझ पाएगा, छल को समझ पाएगा। धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है इतने समय बाद फिर से यहाँ पे आके, एक ही हफ्ता हुआ है फिलहाल तो भी अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगी, कुछ लोग हैं जिनकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम आप इस टॉपिक पे लिखें, आप इस टॉपिक पे लिखें, सो उनके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं कोशिश कर रही हूँ, लिखना जारी है और जल्दी ही पूरी भी होगी और आपको सबको सुनने भी मिलेंगी जो आपकी इच्छाएं, आपकी रिक्वेस्ट हैं। सो उसके लिए वेट कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं इतनी अच्छी हिंदी बोल लेती हूँ और लिख लेती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट,
थैंक यू।